राध विराज, कहाँ हो तुम? महाराज खर तुम्हें बुला रहे हैं। महाराज खर को, महाराज दूषण को विराट का प्रणाम। विराट, रामायण में आज देखिए कि राम सीता और लक्ष्मण को जंगल में मिलेंगे खर और दूषण। आप दोनों को मेरा स्मरण है, आप दोनों की इस बात से मैं भी प्रसन्न हूँ राक्षसराज। आज्ञा करें राक्षसराज। विराज, ताड़का और सुबाहु का वध करने वाला वो राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में आया है। राक्षसराज, अब मैं उसकी ओर बढ़ूंगा, उन तीनों को अपना भोजन बनाऊंगा। अनुज दूषण, किसकी मृत्यु किस रूप में आएगी ये तो कोई नहीं जानता। भ्राता खर, ये तो राम भी नहीं जानता होगा कि विराट के रूप में उसकी मृत्यु उसकी ओर बढ़ रही है। जो अपना दैत्य भेजेंगे, लेकिन राम अपने पराक्रम से इन्हें कर देंगे परास्त। भैया, ये तो पर्वत से भी ऊंचा है। मूर्खों, क्या तुम्हें विराट से भय नहीं लगता? विराट, मैं ऋषि मुनियों को खाकर अपना पेट भरता हूँ। अब तुम तीनों को खाऊंगा। मैं अजय हूँ, मैं अमर हूँ। ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार किसी भी शस्त्र से मेरी मृत्यु नहीं है। उधर वन में ही मारीच भी आ चुका है, जो तपस्या कर रहा है। देखना होगा क्या होगा जब श्री राम लक्ष्मण और सीता मिलेंगे मारीच से। अपने दुख का निवारण करने के लिए तपस्या करो। ध्यान धारण करने से मन एकाग्र होगा और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल प्राप्त होगा। अभी तुम तप करो, तुम्हारे कुछ पापों का शमन हो जाएगा। शेष पाप जब प्रभु स्वयं तुम्हारा वध करेंगे, उनके बाण जैसे ही तुम्हारे शरीर में छेद करेंगे, वैसे ही तुम्हारे पापों का क्षय हो जाएगा। लेकिन हमें ये सारी कहानी सुनाने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है मारीच? आपको सावधान करने के लिए, आपको ये बताने के लिए कि रघुनंदन राम एक साधारण मनुष्य नहीं है, दिव्य पुरुष है। मारीच, राक्षस जाति के कलंक हो जो उस तुच्छ राम के गुण गाते हो। ताड़का, सुबाहु, विराग जैसे राक्षसों का वध करना किसी साधारण मनुष्य का काम नहीं है। राक्षस जाति की भलाई इसी में है कि वे राम से शत्रुता ना लें। मैं तो केवल अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित को ध्यान में रखते हुए कह रहा था कि राम अपने पिता के वचन का पालन करने की आड़ में राक्षसों का वध करने ही आया है।